हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को, मेरी नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि यार क्या हम भी यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब से कितना कमाई हो जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास स्मार्टफोन न हो, जिसको एंड्रॉयड फ़ोन बोला जाता है, ये न हो। और यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डालने का, कुछ भी करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, तो फिर क्यों नहीं बन सकते। मैं तो बोलता हूँ, आज के दिन हर एक इंसान को यूट्यूबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर यूट्यूबर हैं झारखंड के, जबकि झारखंड के अंदर इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं, न इंटरनेट की ज़्यादा सुविधाएं हैं, न बिजली की सुविधाएं, लेकिन सबसे और न इतनी एजुकेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूट्यूबर आज के दिन जो पैसा कमा रहे हैं, जो कामयाब हैं, वो झारखंड से हैं। जो रेशो निकाला गया है, सबसे ज़्यादा झारखंड के हैं। तो झारखंड वालों को सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों देखिए, कोई भी काम करोगे ना आप, कोई भी हटके, क्योंकि देखिए हम सब गांव देहात के नॉर्मल परिवारों के रहने वाले हैं, और हम सब खेती बाड़ी वाले, पशुपालन करने वाले, ये सब हैं। और यूट्यूब हो गया एक अलग सिस्टम। पहले पहल गांव के अंदर अगर कोई स्मार्टफोन ले आता था, किसी पास फ़ोन होता था, तो हम अजीब नज़रों से, अरे उसके पास फ़ोन है, फिर क्योंकि हमारी तो औकात होती नहीं थी हम फ़ोन रख लें, लेकिन जिसके पास फ़ोन होता था फिर हम उसके बारे में कमेंट्स करते थे, अरे कौन सी इसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कौन से इसके बिजनेस चल रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सबके पास फ़ोन हो गए, सबकी बोलतियाँ अपने आप बंद हो गई। इसी तरह से अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो देखिए सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और मजाक कौन उड़ाएंगे, आपके घर वाले। और आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको लताड़ भी लगेगी, मार भी पड़ेगी माँ बाप से, आपका फ़ोन भी छीन लिया जाएगा, बोलेंगे ये क्या नौटंकी कर रहा है, क्या ये मुजरा कर रहा है। आप कुछ भी करो, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि ये बस ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर आप कोई बोल दे कि यार उसका बच्चा या उसकी लड़की फिल्मों में काम करता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या जाएगा, अरे वो तो नंग धड़ंग नाचते होंगे। जबकि फिल्मों के अंदर कोई डायलॉग लिखता है, कोई म्यूजिक बनाता है, कोई गाने गाता है, वहाँ पर बहुत से काम हैं। तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी ऐसे कंटेंट हैं। आप एजुकेशन से हो, कुकिंग से हो, सिंगिंग से हो, किस साइड से हो, ये थोड़ा ये कि आप यूट्यूब के अंदर वीडियो बना रहे हो तो बस नंग धड़ंग ही बना रहे हो, ये घर वालों की सोच अलग है। आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके घर वाले ही आपके खिलाफ रहेंगे, फिर आपके अड़ोस पड़ोस वाले, जब उनको पता चलेगा आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, तो वो आके आपके परिवार वालों को बताएंगे, वो चाहेंगे आप न। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से कामयाब हो जाओगे, जैसे ही आप कामयाब हो गए, उन सब की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए जितने भी यूट्यूबर हैं, कितने भी यूट्यूबर हैं, मनोज डे है, एल्विस यादव है, जितने भी हैं, उन सब ने पहले समाज की, परिवार की अवहेलना झेलनी पड़ी है, बातें सुननी पड़ी हैं, सब ने उनका मजाक उड़ाया है। लेकिन जब कामयाब होते हैं ना, वही जो उनका मजाक उड़ाते थे वही पीछे पीछे घूमते भी तरसते हैं। हमने भी YouTube चैनल बनाया था, तो हमारा भी खूब मजाक उड़ा था घर से भी, मतलब कोई भी बोलता है वो यही बोलता है, अरे क्या क्या कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे गाँव के अंदर मैं पहला ऐसा एक शख्स हूँ जो YouTube के ऊपर काम करता है और जिसका पैसा आता है। जबकि मेरी वीडियो मेरे पूरे गांव में जाती है, सभी के घर में मेरी वीडियो देखी जाती है, लेकिन जलन की भावना लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई मेरे से नहीं पूछता, लेकिन उनके बच्चे हैं जो, उनसे वो पूछते हैं। अब धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चलना शुरू हो गया कि यार ये घर में बैठ के वीडियो बनाता है और बैठे बैठे पैसे कमाता है। मेरे दो चैनल हैं, मेरा एक चैनल है फौजी मोटिवेशनल, जिस पर मैं रिक्रूटमेंट भर्तियों के बारे में बताता हूँ, और उससे मेरा करीब 4-5 महीने से हर महीने पेमेंट आता है, और ठीक ठाक पेमेंट आता है, इतना पेमेंट आ जाता है कि मेरा खुद का खर्चा निकल जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो उसका पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। मेरे को अभी मुश्किल से 8 महीने पहले ही, 27 जनवरी को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, और 2.5 महीने बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, पैसे आने शुरू हो गए थे। देखिए शुरू में तो कम ही आएंगे, जैसे जैसे आपका लंबा समय होता जाएगा, आपके सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस होंगे, तो ही आपको देखेंगे, और तो आपके सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे और आपका पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। अभी बहुत से बंदे हैं कि YouTube पे काम करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, 2-4 वीडियो डालते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अरे नहीं YouTube के ऊपर कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ देखिए, हम गरीब तबके के इंसान हैं, नॉर्मल परिवारों से, YouTube से अच्छा कोई संसाधन नहीं है पैसा कमाने का।
लेकिन उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। और यूट्यूब पे ये नहीं है कि आपने बस एक वीडियो बनाया और डाल दिया, कोई हलवा नहीं है कि आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई वीडियो वायरल हो गया, ये एल्गोरिथम पे काम करता है। यूट्यूब है एक एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, वो एक मशीन है। ये नहीं है कि आपसे ज़्यादा लगाव तो आपका ज़्यादा वीडियो वायरल कर दिया यूट्यूब ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो आपके वीडियो को आगे भेजता है और उसके हिसाब से जैसे आपके वीडियो को आगे भेजता है उसी हिसाब से लोग देखते हैं, पसंद आता है, लोग आगे इसको शेयर करते रहते हैं और आपका वीडियो वायरल हो जाता है। अब ये एल्गोरिथम क्या है, देखिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो वायरल कैसे होती है। जैसे आपने कोई चिट्ठी लिखा है, कितना भी अच्छा आप चिट्ठी लिखिए, कितने भी महंगे पेन से लिखिए, कितने भी सुनहरे अक्षरों में लिखिए, कितना भी अच्छा लिफाफा डालिए, लेकिन अगर एड्रेस सही नहीं लिखोगे तो क्या आपका चिट्ठी पहुंचेगा जहां आप भेजना चाहते हो? नहीं पहुंचेगा। वही है यूट्यूब के ऊपर वीडियो का SEO। अगर आपने SEO के बारे में जानकारी नहीं है, एल्गोरिथम काम करता है SEO पे। YouTube पर बहुत आए बहुत गए, लेकिन अगर SEO सही से नहीं लगाया तो एल्गोरिथम काम नहीं करेगा और एल्गोरिथम आपकी वीडियो को आगे नहीं भेजेगा, तो उसके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, कोई आपकी वीडियो को देखेगा ही नहीं। आप ये सोच के मत रुकना कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा मेरी वीडियो कौन देखेगा, इतने यूट्यूबर हैं, इतने देखिए बहुत यूट्यूबर हैं, कितने आए कितने गए। और जो वीडियो देखने वाले होते हैं, अगर आप मनोरंजन की बना रहे हो, एजुकेशन की बना रहे हो, कुकिंग की बना रहे हो, सिंगिंग की बना रहे हो, हर एक फील्ड में लाखों लोग हैं। आज लोग आपको देख रहे हैं, कल किसी दूसरे को देखेंगे, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं, आप उनको झूठ नहीं बोलना। अगर जैसा वो चाहते हैं, जैसे आप वीडियो बना रहे हो उसी हिसाब से वो आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको वैसी ही वीडियो बनाते रहना है। और ये YouTube के ऊपर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी कि देखिए, आप अगर डेली एक वीडियो बनाओगे, एक वीडियो डालिए, 100 डालिए, कुछ दिनों में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और चैनल मोनेटाइज होगा, पैसा आना शुरू होगा, तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी टांग खिंचाई करते थे उन सब के मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी आपकी जीत यही है, पैसा आए कम आए, लेकिन आ तो रहा है। उन लोगों के मुंह तो बंद हो गए जो पकड़ पकड़ते करते थे आपके बारे में। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, आज हर बंदे को न कोई पैसा लगता है, न कोई एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है, न कुछ है, तो आप लोगों को इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। डेली का डेली एक वीडियो, एक शॉर्ट डालते रहना चाहिए, फिर देखिए आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होता है, कैसे आपका चैनल ग्रो करता है। तो दोस्तों SEO के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सुबेदार नरेश कुमार, जय हिंद।